बस इससे सस्ती खामोशी। क्यों ऐसा क्या हुआ, बातचीत बंद है? ये तो बंद हो जाते बहुत बेहतरीन सी। ये आपकी बीवी है? नहीं, असी 100 स्कोर पूरा कीता ना। अच्छा। मैं डैरन समीन सदिया तबसरा करेगा। तो क्या आपकी रिफाकत के 100 साल भी मुकम्मल हो गए? अब बस मैनू तो एक एक दिन 100 साल वर्गा लगे। तुसी वेखो ना जी, मैं मां सस्सी दा प्यो अता। अच्छा। ते अपनी बीवी को बहुत अक्का। वो तो नजर आ रहा है। ए मेरी बीवी है, बंबोर शहर से धोबी बरादरी च मेरा बड़ा नाम जी। सस्सी की वजह से? सस्सी तो बची ना अपनी, मेरा अपना भी काम है। क्या क्रेडिट है आप? देखो जी मैं जात दा धोबी। हां जी। चतीरा नु जफे। अब देखिया जी, इस तरह दी माड़ियां गल्लां करदी है भी मैं बादशाह तो लैके गरीबा दे कपड़े दी मैला कढ़ियां। हां जी। नहीं मैल कढ़ सकिया इस औरत दी नहीं कढ़ सकी। ना तो मूह की मैल कढ़ सकिया, ना तो दिल की मैल कढ़ सकिया। अपने खानदान की मैल कढ़ो, जेड़े आके छोटे भरा तुहाडे आके पकानी मैं ते खा के निकल जांदे ने। एक साल होया मैं हुक्का धरिया। अच्छा। जो कोल बहिंदी फिर बुझी अग फिर बल पैंदी। क्या गिला है आपको? बाजी एक गल होवे ते तुहानू मैं दसा, तू मेरी भैण लगनी है, हजार दुख है मेरे। क्या दुख दिया है? आटा चक्की तो मैं पिया के लियावा। अच्छा। रजाइयां मैं भरा के लियावा। अच्छा। मोशी को जुत्ती मैं कढ़ा के लियावा। अच्छा। इहनू तो यह भी नहीं पता कि आटा किन्ना महंगा हो गया। ओ बेसबरी ना हो, जिदन बादशाह दे कपड़े वेख गए ना, आटा वेखी किड़ा सस्ता हुंदा। ना कपड़े विकण ते ना आटा सस्ता हो। आपका बादशाह भी कपड़े बेच रहा है? जदों कोई बुरे हालात हो फिर बादशाह कपड़े बेचेंदे अज दे बेचारे। मैं ते किस्मत माड़ी सड़ गई हां, मेरे मुकद्दर सड़ गए इतना व्याह करा के। ना मेरे ते ना पा, तू पिछों सड़ी आई सै। सलाम चौधरी साहब। ओए आ दिलबर की हाल ही? सलाम मालकन। वालेकुम सलाम। ओ नौकर आया के तेरा वड्डा जेठ आया घुंड कढ़न डई। ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਗੈਰਤਮੰਦ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਆ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵੈਸੇ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਕੋਟੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣੇ। ਓਏ ਬਕਵਾਸ ਬੰਦ ਕਰ, ਉਹ ਤੂੰ ਤਾਂ ਨਸ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਸ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਸਦੇ ਵੀ ਨੇ ਧੜਾ ਧੜਾ ਉਹ ਵੀ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਸਣਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੁਦਰਾਣੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾਨੂ ਚੁਦਰਾਣੀ ਜੀ, ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਤਰ ਜਾਓ, 50 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਯਕਦਮ ਕਹਿਤਾ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਦਿਲ ਭਰਾ? ਪਰਸੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਉਸਤਾਨੀ ਜੀ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿਧਰੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਸਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਘੱਟਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ? ਉਹ ਮੈਂ ਘੱਟਾ ਕੱਢਣ ਡਿਆ ਸੀ ਡੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਮਾਰਾ ਤਾਂ ਨਿਕਲੇ ਉਸਤਾਨੀ ਦੀ ਚੀਕ। ਮੈਂ ਕਿ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਰੁਪਈਏ ਤਾਂ ਨਿਕਲਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਚੀਕਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਹਲਕਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਉਸਤਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਪਰ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ। ਹਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪੱਕਾ ਸ਼ਗਿਰਦਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਸਾਜ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਦੀ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਚੰਗਾ ਨੌਕਰ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਸਾਜ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ। ਦਿਲਬਰਾ ਧੀਆਂ ਤੇ ਤਰੇਕਾਂ ਵਧਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਸੱਸੀ ਦੇ ਹੱਥ ਪੀਲੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਰਜ਼ਾਇਰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾ। यानी कि मुस्तकबिल करीब में एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है वीना मलिक साहिबा। तुसी भी कितने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके छाड़ देना जाना सानू। तो शोवां दी मुबारक होवे पहले आप। ओ आपको भी मुबारक हो। ओ दिलबरा। हाँ जी। तू की चाहना मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करा, जुल्म रहे और अमन भी हो। क्या मुमकिन है तुम ही कहो। मैनू ये समझ नहीं आती उस्ताद जी, माशाल्लाह तुहाडी औलाद है वो इन्हां चो है, वो कहड़े सोफे चो निकली है। वैसे ये आपका नौकर बहुत बदतमीज नहीं है? इसको बदतमीजी नहीं, फ्रैंकनेस लेवल कहते हैं। ओह फ्रैंकनेस लेवल। मेरा और उस्तानी का लेवल जो है ना, जमीन आसमान का फर्क है। छह महीने अगर जॉब करते हैं उस्ताद को, एक दिन भी इस घर च एक रोटी की बुरकी नहीं खाधी। क्यों नहीं खाई? ऐ तो बनांदी है। मैं बाहर होटलों का खजल हो रहा, मैं उतो कभी चने खा रहा, कभी उतो मैं तोरियां खा रहा, इतने घर कीमा पकया मैं हाथ नहीं ला रहा। दिलबरा तू मेरे घर की ना हल्की हल्की वीडियो लीक कर दिया। एडी तू हरीम शाह, तू अंदरों मैनू तड़िया ला दिया, और तू मैनू फैजल हसन चौहान समझा।